सवाल ही ऐसा था, कटना था सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आप लोगों की कोई मदद नहीं की, कोई हेल्प नहीं की? देखिए, सच तो नहीं जी, हाँ दूसरी तरफ ये किया कि जो इत्तेहादी जबरदस्ती बिठाए गए थे उनको हटवा दिया था। तो लेकिन मेरे ख्याल में उनके मतलब कि वो एक जो उस वक्त कहने लगे कि भाई न्यूट्रल है न्यूट्रल है, जो एक हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते की न्यूट्रलिटी थी, तो उसी ने रिजीम चेंज करा दिया था। बाकी मेरे ख्याल में उन्होंने क्या करना था, उन्होंने तो जो 3 साढ़े 3 साल इमरान को जो सपोर्ट दिया एक एक बिल में, एक एक मौके पे, एक एक वोट में, जो सारे वो फैज साहब और बाजवा साहब उसको मैनेज करके देते थे, और वो अब खुलेआम है, जुबान ज़दे आम है ये सारी बातें। तो मेरे ख्याल में वो मैनेज करना उन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी बदौलत MQM और काफ लीग जैसी जमातें PTI से हट के दूसरी तरफ आ गई, और जब दूसरी तरफ आ गई हमने अपना स्ट्रेंथ देख दिया, तो स्ट्रेंथ हमारा मुकम्मल था, लिहाजा उसमें हम कामयाब हो गए। फिर ये जो सारी सियासी जमातें जिनके DNAs नहीं मिलते, इनको मैनेज किसने किया इकट्ठा, इनको जोड़ के 16 महीने? अब जो हम देख रहे हैं कि इख्तलाफ आ रहा है, ANP का इख्तलाफ आ रहा है, JUI के हवाले से बयानबाजी है, JUI जो है वो पीपल्स पार्टी पे हमले कर रही है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नून लीग और JUI पे बातें कर रहे हैं, तो ये 16 महीने शीरो शक्कर कैसे रहे? मैं आपको बता रहा हूँ, वजह यही थी, और एक तो ये था कि जाहिर सी बात है हुकूमत, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के इत्तेहादी थे, लेकिन हुकूमत में हमने हिस्सा नहीं लिया, तो जब तक ये सब पार्टी हुकूमत के मजे ले रही थी तो ठीक था, अभी वो अब इसलिए अपने अपने मोर्चों पे दोबारा चले गए हैं। और शीरो शक्कर अगर मैं बुनियाद कहीं कहूँ तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब को ये क्रेडिट जाता है, बिलावल साहब को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने और हमने पहले ही ये जो PDM बना था ये हमने APC बुलाया था, और APC में हमने सबको इकट्ठा किया था, पीपल्स पार्टी ने बुलाया था, बिलावल साहब ने और सरदारी साहब ने अपने घर बिलावल हाउस में बुलाया था और सबको इकट्ठा किया था, और उसके बाद PDM बन गई, फिर कुछ वजूहत की बुनियाद पे PDM में से हम और पीपल्स पार्टी बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी जो पूरा सेटअप था 16 महीने, तो चूंकि वो एक हुकूमत थी और जाहिर सी बात है जो माहौल थे हालात थे उसमें सबको घसीट दिया था, तो उसकी वजह से एक सबके इकाइयां थी। अदरवाइज तो आपने जैसे बोला कि सियासी नजरियाती तौर पर हम एक दूसरे से इतने दूर हैं कि अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम का नजरिया देखें और फिर अवामी नेशनल पार्टी का नजरिया देखें तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वो कुछ वही बुनियाद था जिस बुनियाद पर अभी